इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 स्पाइसेस या मसालों की जो कि हमारे वेट लॉस में हेल्प करते हैं और बात करेंगे कि उन्हें किस तरह से लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और मैंने अपना 28 kg 28 किलो वेट लूज किया है 100% हेल्दी और नेचुरल वे में। इन वीडियोस के थ्रू मैं अपने वेट लॉस एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्पाइसेस मतलब प्लांट का वो पार्ट जिसे हम हमारे घर में रोज मसाले की तरह हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इंसान सदियों से जानता था कि यह मसाले हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। इसीलिए वर्ल्ड के हर हिस्से में लगभग सभी लोग इसका रेगुलर यूज करते हैं, खासकर हम इंडियंस। पर क्या आप जानते हैं यह मसाले हमारे वेट लॉस में भी काफी हेल्प करते हैं? तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही 5 बेस्ट मसालों की जो कि हमारे वेट लॉस में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। सबसे पहला है जिंजर या अदरक। इसके वेट लॉस में कई फायदे हैं। बेसिकली यह आपकी बॉडी में थर्मोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है और हम ज्यादा फैट बर्न कर पाते हैं। इसके साथ अगर हम जिंजर का यूज अपने मील्स के बीच में करते हैं तो यह हमारी भूख को कम कर देता है जिससे हम ओवरऑल कम कैलोरीज का इंटेक करते हैं। इतना ही नहीं, यह हमारी ब्लोटिंग और गैस की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। इतने सारे फायदे, पर इसे अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड करें? वेट लॉस के लिए जिंजर को अपनी डाइट में यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है जिंजर टी, और इसे बनाना तो सुपर इजी है। इसके लिए 1 ग्लास पानी में एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालकर 2 मिनट के लिए बॉइल कर ले। लो, हो गई आपकी जिंजर टी रेडी। आप इसका वेट लॉस प्रॉपर्टीज और टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें नींबू और शहद भी मिला सकते हैं। सेकेंड वेट लॉस स्पाइस है सिनेमन या दालचीनी। वेट लॉस के लिए आपने इसका नाम कई बार सुना होगा। दालचीनी हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम ही रखती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा स्लो कर देती है। इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से हमें लंबे समय तक भरा भरा महसूस होता है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करती है। वेट लॉस के लिए इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करने का सबसे फेमस वे है हनी सिनेमन टी। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए 1 ग्लास पानी को बॉइल करें, उसमें 1 चम्मच दालचीनी डाल करके छोड़ दें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसे छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। आप इसकी वेट लॉस प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए इसमें नींबू और अदरक भी मिला सकते हैं। इसे पीने का सबसे अच्छा समय है सुबह खाली पेट पीना, ये तब सबसे ज्यादा असर करती है। इसके अलावा आप इसे स्नैक्स के टाइम पर भी ले सकते हैं या फिर रात को सोने से पहले, यह आपकी भूख को कंट्रोल करेगा। थर्ड वेट लॉस स्पाइस है चिली या मिर्ची। ये सिर्फ आपका मुंह ही नहीं जलाती, ये आपका फैट भी बर्न करती है। US में रहने वाले एक इंडियन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 2 तरह के फैट सेल्स होते हैं। पहले व्हाइट सेल्स जो कि हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करते हैं, दूसरे ब्राउन सेल्स जो कि इन व्हाइट सेल्स को बर्न करके एनर्जी निकालते हैं। तो चिली में पाया जाने वाला कैप्सिसिन कंटेंट इन व्हाइट सेल्स को भी ब्राउन सेल्स में कन्वर्ट कर देता है जिससे हम ज्यादा फैट बर्न कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम खाने से पहले सैलेड में मिर्ची का यूज करते हैं तो हमारी भूख कम हो जाती है और हम लगभग 70 कैलोरीज तक कम इंटेक करते हैं। तो मतलब यह चिली न केवल हमारे फैट को बर्न करने में हेल्प करती है बल्कि ये हमें कम कैलोरीज को इंटेक करने में भी हेल्प करती है। फोर्थ वेट लॉस स्पाइस है क्यूमिन सीड्स या जीरा। ये हमारे तड़के का अहम हिस्सा है। इसमें वो सभी खूबियां हैं जो कि एक वेट लॉस फूड में होनी चाहिए। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता है, हमारी भूख को कम करता है और खास तौर से ये हमारे बेली फैट को कम करने में हेल्प करता है। और क्या चाहिए? वैसे तो आप जीरे को किसी भी तरह से ले सकते हैं, पर सुबह खाली पेट जीरा वाटर पीने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। और अगर जीरा पाउडर को लो फैट दही में मिलाकर खाएं
तो यह मेनली आपका वेस्ट साइज कम करने में हेल्प करता है। फिफ्थ वेट लॉस स्पाइस है ब्लैक पेपर या काली मिर्च। यह बहुत ही न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ इसमें पेपरिन नाम का कंटेंट होता है जो कि आपका फैट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, जिससे आप ज्यादा फैट बर्न कर पाते हैं। वैसे तो वेट लॉस के लिए ब्लैक पेपर टी बहुत ही फेमस है, पर मैं इसे अपने सैलेड, स्प्राउट्स, ओट्स या फिर वेजिटेबल सूप और जूसेस में मिला करके लेती हूँ, जिससे यह उनका टेस्ट भी बढ़ा देती है। वैसे इन पांच स्पाइसेस के अलावा भी कई स्पाइसेस हैं जो कि हमारे वेट लॉस में हेल्प करते हैं, जैसे कि हल्दी, लहसुन, सौंफ, अजवाइन, दाना मेथी, या यूं कहिए कि ये सभी नेचुरल स्पाइसेस हमारे हेल्थ और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आप उन्हें कब और कैसे लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इन स्पाइसेस का ओवर यूज ना करें। ये नहीं कि ज्यादा वेट लूज करने के लिए आप सिनेमन टी या जीरा वाटर को दिन में चार बार ले रहे हैं। आप इन्हें मैक्सिमम एक या दो बार यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, किसी भी एक फूड का ओवर यूज करने की जगह अगर आप अपनी पूरी डाइट पर ध्यान देंगे तो वेट लॉस होगा और रेगुलर होगा। और एक खास बात, आप इन ड्रिंक्स को 8 से 10 दिन में बदलते रहें, जिससे आपकी बॉडी इनकी यूज टू भी नहीं होगी और आपको इन अलग अलग फूड्स की अलग अलग वेट लॉस प्रॉपर्टीज का फायदा होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके। अगर आपको वेट लॉस गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इसी तरह के वेट लॉस टिप्स के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे Facebook ग्रुप वेट लॉस विद सीमा को ज्वाइन करें।